जुगो जुग अटल, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश, शाम समय सत्संगत दे पल इकड़ियां असी माण पा रहे हैं, वडभागी हाँ। मूल नानक शाही कैलेंडर उस अनुसार अज दशमेश पिता सरबंसदानी कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल तन तन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा है। कैलेंडरी तारीखां दे मुताबक कुछ संगत अज मना रही है, कुछ आउंदी नौं। साढ़े वास्ते समा है असी अपने दीन दुनी दे पातशाह उन्हां दे चरण पर सकांगे दोनों दिनों दे विच। सो आओ साहिब महाराज जी दी पावन कलगी दी चमक साडियां अखां नूं भी रोशन करे, साडी सुरत नूं भी रोशन करे। उन्हां दे नीले दे कौड़ियां दी पौड़ दी आवाज़ किते साडी जिंदगी दा भी अनहद नाद बने, किते उन्हां दे बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह किते साडी भी फरियाद सुनी जाए, ते असी भी उन्हां दे जो मर्जी वड़े यार गुरसिख प्यारे उन्हां दे चरणां दी खाक बन सकीए। सो आओ साहिबे कमाल दे कुछ जीवन रंग, उन्हां दीआं सिख्यावां ते कुछ ओवरऑल अपने आप नूं महाराज जी दे जीवन आभा दे नाल मंडित करन दा यतन करिए। एक बार जितने कि जी हाजिर हो, जे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज 42 वरे की टोटल अरबला तो 42 युगां का कारज ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। बात कितों शुरू करी, अक्सर डलेमा रहा आया कि गुरु महाराज जी दे जीवन यापन नूं किस रूप में बयान किया जाए। मोमन लखारी नैशनल पोइट हकीम अल्ला यार खां जोगी उहदी शायराना जो अकीदत अदा की उसने महाराज जी नूं श्रद्धा दे पुष्प अर्पित किए ने, उत्थों ही बात शुरू करते हैं। जो बात करता है कि करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोबिंद की वो तारीफ कम है। अगर दुनिया के लोगों, मैं रब नूं हाजिर नाजर जानना, मैं सच दे वणजारे गुरु नानक महाराज जी की सहु खाना। तो हुण जिवें कोई अहदनामा लै रहा हुंदा ना, कोई मतलब एफीडेविट दे रहा किसी कोर्ट च खड़ा होके, इस तरह लफज लिख रहा हो, कहिंदा करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोबिंद की वो तारीफ कम है। जिन्नी भी स्तुति कर लोगे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की, सारी करके फिर पता लगेगा ना अजे तो शुरू भी नहीं हुई। की कहांगे उस पेशवा दे बारे, की कहांगे उस महानतम सतगुरु दे बारे, की कहांगे उस मानवता दे सच्चे पीर दे बारे। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, गुरु महाराज जी दे जीवन यापन नूं कई रूपां च वेख्या जांदा है। मैं सिर्फ उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े ते कुछ बात करदा। गुरु महाराज गुरु नानक साहब का जिहड़ा स्कूल सीगा, जिहदे च मीरी ते पीरी नूं एक रूप च लियांदा गया, क्योंकि धरती दे उत्ते अक्सर बात रही कि लोकां नूं वंड के चीज़ां नूं वक्रे वक्रे खानियां च पा के वेखण दी जाच सीगी। महाराज ने कहा हर चीज़ एक दूजे नाल सीधे तौर ते जुड़ी हुई है,
जे मीर राजा राजसी निजाम वो ठीक नहीं, ते रियाया कदी सुखी नहीं हो सकती। ते जे रियाया दे विच धर्म आस्था नहीं गी, उन्हों सही रूप विच डिसिप्लिन नहीं आउंदा, सिख्यात्मक परिपेख दे विच वो निगुणी है, ते कदी भी राजसी निजाम ठीक नहीं होएगा। क्योंकि जिहड़ी हालत आ राजे शीं मुकदम कुत्ते एवें ते नहीं आउंदे ना। आखिरकार कोई बीमारी है वो कोई रीजन बनते हैं, उस वबा दे आने का कोई ग्राउंड तैयार होता है। सो दोनों रूपां दे विच मनुख नू लगता है मीर चलाउंदा आ, मतलब लगता है कि बाहरला राजसी पोलिटिकल सिस्टम चलाउंदा आ, सही रूप विच मनुख नू मनुख का मन चलाउंदा आ। हाँ, बाहरले सिस्टम के जरिए मनुख की एक्सप्लोइटेशन हो सकती है, उसनू तंगी तुरसी मिल सकती है, उसनू सब रूपां दे विच, पर उस सारे नू दुरुस्त किया जा सकता जे आप हैल्दी है, अपना मन उहदा उस रूप दे विच सही है। थे जिवें मैं खुद एक वारी कलम साजी करदे हां, बात लिखी सी कि सरकारां ना बदलो सरोकार बदलो, कुर्सियां दे बदलियां कदी खुशियां ना करिए। असी सरोकार तो ही रखते हैं तो फिर कई ने आ बदल गया आ बदल गया आ बदल गया। महाराज ने कहा एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण तब्दीली। इसलिए गुरु नानक साहब जो वेईं तो बाहर आए, जो उन्हें कहा कि हुण एक नवी राह ते नवा राह पाउणा आ, तो सीधे मड़ियां च चले गए शमशान घाट। नवाब दौलत खां उस वक्त पंजाब की कैपिटल लाहौर नहीं सी, सुल्तानपुर सीगा, ते सुल्तानपुर दे विच जिहड़ा पंजाब दा असल विच कह लो कि नवाब सीगा दौलत खां सीगा, ते दौलत खां गुरु साहब नूं नो डाउट गुरु महाराज उहदे एज ए मोदीदार दे रूप विच उत्थे कम कारज भी करदे सी, ते गुरु नानक साहब नाल कुछ स्नेह भी करदा सी। इह वी सच है, तुहानूं पता सीगा कि गुरु नानक साहब दा जिहड़ा मरातबा रुतबा आ उह बड़ा दिगर आ, बड़ा आलमी है। जो तीन दिन महाराज वेईं में चले गए तो मुड़ के पता नहीं लगा, तो बड़ा परेशान सीगा, उन्हें बड़े गोताखोर लियांदे, सब चीज़ां हुई। खैर जो कुछ बात ना बनी, तीन दिन बाद पता लगा गुरु नानक साहब आ गए ने। वो बड़ा खुशी दे नाल कहा भी कित्थे मिलदे आ, आखिरकार तीन दिन बाद मिलना उन्होंने, तो पता लगा कि वो इत्थे नहीं, उत्थे मड़ियां च जा बैठे ने। जो महाराज मड़ियां जा बैठे, फिर मड़ियां च मिलने वास्ते गया, बड़ी लंबी चौड़ी गुरु साहब नाल दी गलबात हुंदी है, जन्म साखी च वेरवे ने, होर रचनावां च कुछ उहदे वेरवे मिलदे ने। तुसने बाबा जी नूं कहा सीगा कि पहला तो यह है भी तिना दिनों तो तुहानूं लभ रहे हां, मिल गए हो, खुशी हुई है, पर गल है भी तीन दिन बाद जे आ गए हो तो फिर बस्ती क्यों नहीं गए, घर क्यों नहीं गए, इत्थे क्यों आ बैठे हो। तो बाबा जी कहन लगे भी नवाब जी गल है कि जो मैं कहना है वह सुनने तो बाद तुसा तो तुहाडे वर्गे होर लोगों ने उन्हें कहना भी जो दोबारा एवें की गल की तो मड़ियाँ च पहुँचा देंगे। इस करके मैं बात ही मड़ियाँ च बैठ के करन लगा। बड़ा बेजार होया, बड़ा जिस तरीके नाल कह लो कि एकदम सोचा च पै गया। कहन लगा ऐसा की कहन लगे हो? महाराज ने उत्थे कहा सी ना मैं हिंदू ना मुसलमान, निर्मल पंथ, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं। जो ये बात हुई तो उत्थे महाराज ने कहा कि हुण असीं सिर्फ सच की बात करांगे ते सच्यार होवांगे। ये करदिया होया असीं पीर तो उहदी पीरी खोह लवांगे ते कूड दे मीर तो उहदी मीरी खोह लवांगे। हुण इह जिहड़ी बात आ वी ना असीं कूड की पीरी नूं मन्निया ना असीं कूड की मीरी नूं मन्निया, असीं पीर ते मीर नवा साजांगे। एक वड्डे तौर पर चैलेंज सीगा सारी स्टैबलिशमेंट नूं, सारी सभ्यता नूं। इत्थों फिर बात अगे तुरदी है, वक्तन बा वक्तन बड़े उतरा चढ़ा आउंदे इस रूप दे विच। आखिरकार गुरु हरगोबिंद साहब का दौर आउंदा जदों वाकिया च ही पीरी दे नाल नाल मीरी की आमद आउंदी, मैदान जंग दे वो पक जाते, तो गुरु हरगोबिंद साहब पहली जंग लड़ते 1621 दे विच।
हालांकि सूबेदारों के खिलाफ से की हो, पर बादशाह जहांगीर से उस वक्त जहांगीर डायरैक्टली आप इस जंग इन्वॉल्व नहीं सीगा। अमृतसर की जंग से मुर्चा खान हमलावर होया से अमृतसर, तो गुरु साहब ने अमृतसर तो बाहर वार जाके इसका मुकाबला किया। इनू बड़ी बुरी तरह हार खानी पई। ये बहुत कुछ 600 साल के समय तो बाद मुगल या कोई कह लो कि मुहम्मदी धारा चों आए हुए लोग जो कि हाकम धिर विच सीगे वो भारतीय खिते दे अंदर ते पंजाब ते धरती पुत्रां तो धरती दे आम जिहड़े वसनीक सीगे उन्हां दी फौज तो हारे ने। ये बिल्कुल उही समां आ 1621 का जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी दे करे पंजवें साहबजादे का प्रकाश हुंदा आ, आमद हुंदी है, जो कि ऑलरेडी 4 साहबजादे महाराज जी दे कोल सीगे, बाबा गुरदित्ता जी, अटल राय जी, अणी राय जी, सूरजमल जी। तो पंजवें साहबजादे की जो आमद हुई तो नाम रख्या गया त्यागमल 1621। कुदरत अपनिया खेडां च मस्त रही है, कुदरत अपने तरीके बंदे नूं जो ना दिन सरात दोए दाई दाया खेला है सगल जगत, ये खड़ावा खड़ावी खड़ाई जाते हैं, समा इसे चाल तुरै लगा जाता, पता ही नहीं लगता राती रुत्ती थित्ती वार पौन पानी अग्नि पाताल बदलदियां लगी जाने रुत्तां थित्तां सब, कदी नेरा कदी चानना कदी सियाल कदी गर्मियां। कुदरत अपनी जाचे अपनी खेड विच पाई रखदी। आखिरकार वक्त आया 14 साल बाद पहली जंग गुरु हरगोबिंद साहब की 1621 जंग जेतू होए, कर साहबजादे की आमद हुई, त्यागमल नां रखिया। चौथी जंग गुरु हरगोबिंद साहब की करतारपुर वाली बड़ी जबरदस्त जंग हुई, महाराज के खिलाफ बड़ी वड्डी लाम लश्कर फौज चढ़ के आई। साढ़े नहीं, उन्होंने अपने सोर्सिज ने, जिमें मौसम फानी है, दबिस्ताए मजाहब लिखण वाला फारसी का राइटर है जिन्हें उस वक्त वक्ती तौर पर समय के उस समय के किताब लिखी अपनी है, तो वो सारे प्रसंग लिखे उस जंग के गुरु हरगोबिंद साहब के, गुरु अर्जन साहब के वेरवे भी किताब बहुत सारे ने जो बाद के साडे हिस्टोरियंस ने कोट किए। उस बयान करता है कि किड्डी वड्डी कुमक चढ़ के आई गुरु महाराज के खिलाफ, अराउंड 90,000 के करीब। वो कहिंदा कि जाबता पद ते गैर जाबता पद फौज सी, फौज सीगी, तो गुरु महाराज को बहुत ज़्यादा नफरी नहीं सी। महाराज जी के कोल उस वक्त जेडे ट्रेंड सिख सी उन्होंने गिनती अराउंड 5,000 सी, इस तो बाद नहीं सी हैगी। करतारपुर के जंग हुई बड़ी भारी जंग जिसे 90,000 गाजी 5,000 सिखां नूं मूँह मोड़ दिता। इत्थे ही पैंदे खां का जिहड़ा हैगा सारा प्रसंग आया। जे इस रूप में देखा जाए तो ये चीज़ा जे कि फारसी सोर्सिस ना होंदिया तो लोगों ने बड़ा ठट्ठा लाना सी साडा, एवें कही जाते हैं इस तरीके, क्योंकि साढ़े तो किसी लिखारी ने बहुता लिखा नहीं गा, लिखा तो उन्होंने लोगों ने या रोजनामचियां चो मिलती ने सानू गल्लां। इस जंग दे विच साहबजादा त्यागमल जो गुरु हरगोबिंद साहब जी के पंजवें साहबजादे सीगे, इन्होंने बड़े जोहर विखाए, बड़ी तेग वराई। जदों जंग समाप्त हुई तो फिर बकायदा तौर पर गुरु हरगोबिंद साहब ने जिन्हें कंट्रीब्यूशन पाया सीगा उहदे मुताबक उन्होंने सत्कारिया सन्मानिया। आखिरकार एड्डी वड्डी जंग जीती गई है, उपाधियां दित्तियां गई। जंग दे विच मौजूद ऑलमोस्ट हर एक पार्टीसिपेटर ने जो उत्थे मौजूद सीगा, खास करके इस तरह कह लो कि जो फौजदारी दे रोल दे विच या जथेदारां दे रोल विच सीगे जिन्होंने कमांड कीती जंग दे विच, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहा कि जिहड़ी देख तुहाडे त्यागमल ने वाही ना इहदा कोई मुकाबला नहीं। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब कहण लगे अच्छा जेडा ये तेग दा तनी है तो फिर दा ना ही रख देने आ। फिर इत्थे लकब दिता गया तेग बहादुर। इत्थों तन गुरु तेग बहादुर महाराज त्यागमल तो तेग बहादुर हो गए। ये 1635 की गल है। उस तो बाद समा अपनी जाचे चलता गया, वक्त दे नाल तन गुरु तेग बहादुर साहब जी का विवाह होया, विवाह करतारपुर ही होया, पर परिवार पिछों अंबाले तो सीगा पंजोखरे दे नेड़ों, नानके गुरु साहब जिथे बनते सी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी थे। जगत माता गुजरी जी एक ऐसा कपल, एक ऐसा जोड़ा जिस तो वड़ा आइडियल जोड़ा शायद ही सानू किते लभे पूरी तवारीख दे विच। विवाहता जीवन अपनी जाचे चलता गया। दूसरे पासे गुरु हरगोबिंद साहब 1644 तक गद्दी ते रहे। 1644 विच किरतपुर साहब कुछ समा सेहत याबता ना ठीक रहने दे बाद ज्योति जोत समा गए, अगे गद्दी आसीन होए बाबा गुरदित्ता जी दे फरजिंद
गुरु हरगोबिंद साहब जी के पोतरे वह भी छोटे गुरु हर राय साहब वड्डे तीरमल सीगे छोटे सीगे वड्डे दा जिहड़ा सारा जीवन यापन सी टोटली डिफरेंट सीगा मगर गुरु हर राय साहब ये गुरु नानक जोत दे वारस बने सतवें रूप दे विच 1644 दे अंदर समा अपनी जाचे फिर चलता गया। एक कपल गुरु तेग बहादुर साहब ते माता गुजरी जी ये अपने तरीके नाल सिक्खी च कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अज जो तुसी बहुत ज़्यादा सिक्खी दियां गल्लां करदे आ पंथ प्रस्तगी दियां गल्लां करदे आ कौमी वजूद विच बहुत सारे रूपां च कंट्रीब्यूट करन दियां गल्लां करदे आ पर आप कभी भी अपनी फैमिली लाइफ नूं नहीं वेखदे। देखो परिवारां दियां इकाइयां जुड़ के ही कम्यूनिटी बनती है समाज बनता है। जे परिवारां दियां इकाइयां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच कोई सांझ कोई प्रेम कोई स्नेह कोई खलूस कोई मुहब्बत ऐसा कुछ नहीं हैगा फिर मन के चलो समाज दे विच भी कोई बहुत ज़्यादा आपसी जिहड़ियां ने सांझा नहीं वधनगियां। जे मैं तवारीख पढ़दा टोटली मिसमराइज हो जाता वा। जे आपां गुरु साहब दे जीवन यापन नूं देखिए तो गुरु हरगोबिंद साहब उन्हां दे महल ने माता नानकी जी साढ़े माता नानकी जी उन्होंने महल पत्नी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता जी ते उन्हां दा अपना जिहड़ा पेका पिंड है वह है बाबा बकाला जिन्हों बकाला कहा जाता बाबा बकाला बाद च नाम मकबूल होया। तो गुरु हरगोबिंद साहब अक्सर बकाले जाते मतलब अपने सहुरे परिवार जाना उत्थे रहना फिर भी है माता नानकी जी बेटे की शादी हो गई मतलब साहबजादा तेग बहादुर जी जो तो अजे गुरु नहीं बने शादी हो गई विआह हो गया माता गुजरी जी दे नाल ते उन्हां दा बेटा ते उन्हां दी जिहड़ा हैगा सुपत्नी दोनों उन्हां दे अपने पिंड मतलब बकाले आके रहिंदे अपने नानके घर तो कोई एतराज़ नहीं बल्कि स्नेह है। फिर कल्ला ये नहीं गा अगे तुसीं होर एक्सटेंशन देखो उस रूप फैमिली दे अंदर गुरु हरगोबिंद साहब जी की बेटी है बीबी वीरो गुरु हरगोबिंद साहब ने बड़ा बहुत प्यार करते गुरु हरगोबिंद साहब बीबी वीरो जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जो स्ट्रगल चलती है जंगा का सौ दौर दौर चलता है जिदे च अपना परिवार डायरैक्टली भावें बाबा राम राय वाले पास्यों आ रहा है भावें तीरमल वाले पास्यों आ रहा है देवर नोट सपोर्टिव दैट मच नो। जिस परिवार ने बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ना होया वह बीबी वीरो का परिवार से गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के भूआ के पुत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जंगा के जाते हैं जामे शहादतों तक पीते हैं ये तवारी गवाह इस गल की बीबी वीरो जी ये सारा परिवार जिहड़ा आ पूरा सिक्खी दे उस रूप दे च ते यही कदर कीमत जिहड़ियां नेगा फिर समाजां नूं वधण च प्रफुल्लित होण च हैल्पफुल होंदियां ने। खैर जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद साहब जी के महल ये अपने नूह पुत नूं बकाले लैके इत्थे जिहड़ा अपना जीवन यापन कर रहे हैं सिक्खी च अपने तरीके नाल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हुण साढ़े कोल बहुत सारिया रीसेंट लैवल ते फाइंडिंग्स होईयां ने लखी शाह वणजारा जी जिदा दे करे धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का तड़ जाके संस्कार किया गया सीगा गुरुद्वारा रकाबगंज इत्थे रायसीना पिंड दे उस इलाके दे विच ते ए लखी शाह वणजारा जी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बहुत क्लोज फ्रेंड भी सीगे अपने समय दे विच मतलब सिख तो सी गुरु साहब के पर पहला फ्रेंड भी सके बहुत वड्डे लैवल से सानू हुण इहो जिहा जगह भी मिलदी ने जिथे इस तरीके सिरनावां मिलदा पहाड़ों कुछ खूह मिले ने जिन्हां खूहां दे उत्ते भाई लखी शाह वणजारा सेवा कराई भाई लखी शाह वणजारा अते भाई तेग बहादुर जी उत्ते तेग बहादुर जी लिखिया गुरु तेग बहादुर जी गुरु बनने तो पहलां दीआं गल्लां ने सारियां। सो इस रूप च सिक्खी दा अपने तरीके कंट्रीब्यूट करदे रहे सब चीज़ां चलदियां रहियां। गुरु हरगोबिंद साहब ज्योति जोत समाते हैं 1644 के 1644 गुरु हर राय साहब गद्दी पर बैठ जाते हैं उस तो बाद गुरु हर राय साहब अपना जड़ा जड़ा उन्हों का कंट्रीब्यूशन बनता सतवें जामे का वो उस रूप में पाते हैं। 2200 तो वध घोड़ सवार है हर वक्त त्यार बर त्यार फौजी मुश्कां के रूप के गुरु हरगोबिंद साहब ने 1635 जंग लड़ी है जंग बिल्कुल जेतू रहे हैं पर उस तो बाद नहीं कि बस जे एक बारी मतलब होंगे ना बंदा
किसी फौजी ताकत या खास करके इस तरीके ने जिहड़ी एबसोल्यूट पावर आ समर्था आ ताकत आ ये बंदे नूं करप्ट करदी है। गुरु साहब इसे चीज़ नूं लोकां नूं जिहड़ा दर्शाउणा चाहुंदे ने कि बंदे दे कोल ताण हुंदा है होए निताणा, माण हुंदा है होए निमाणा। इस रूप विच सानूं इह इतिहासक ग्रंथ दसदे ने महाराज ने हथियार संतोख दिते, मतलब पोथी ते संतोख दिती, हथियार भी संतोखे जाते हैं। हाँ भाई शास्त्र संतोख दिते गुरु साहब ने, क्यों संतोख दिते शास्त्र? इस करके क्योंकि जे ताकत भी है तो मतलब ये नहीं कि बस बंदे ने धरती ते कब्जा ही करना है, मनुखा नूं अपने गुलाम ही बनाउणा हैगा ना, उन्हां नूं दसना आ कि भाई धरती ते एक हारमोनी बिल्ड करके भी रहा जा सकता है। जो तो ब्रिटिश रूलिंग सिस्टम उत्थे लैके पहुंचा ना, हालांकि लोग कहते ब्रिटिश रूलर कमाल दे रूलर सीगे, जड़ा हैगा रूल ऑफ लॉ इन्होंने वो स्टैबलिश किया सारा कुछ। मैं अक्सर बेनती करदा जमुना तो उरले पासे सारी गल बिल्कुल राइट आ, जो तो जमुना तो सतलुज के दरमियान देखते हैं इतने फुलकियां रियासतं सीगियां, इन्हां दा जिहड़ा थोड़ा सिस्टम डिफरेंट सीगा, पर जिवें सतलुज क्रॉस करते टोटली तुहानूं डिफरेंट निज़ाम मिलता, जिस निज़ाम दे विच कोई पुलिस सर्विस तो है ही नहीं सी, कोतवाली सिस्टम खत्म करता सीगा, लोड़ ही नहीं कोतवाली, जिहड़ा थाणा बनाउणा पुलिस बनाउणी तो लोगों धक्के फोर्सफुली कंट्रोल करने वास्ते बनाउणी है। लोगों का सिस्टम निज़ाम ही ऐसा स्थापित करो कि लोग आप अपने सारे उस कारगुजारी चलाउण। हाँ जिथे कोई बहुत वड्डा कोई धाड़वी कोई दिक्कत आए उदों उदों बकायदा तौर पर मिलटरी जिहड़ा है बुलाया जाता सी, जिहड़ी सिक्योरिटी की जिम्मेवार सी उहदी चौंकी आके खालसा जिहड़ी फौज सी उहदी चौंकी बैठती सी आके, बाकी अदरवाइज कोई किसी किस्म के नाल ऐसा कोई रूप नहीं सीगा जिदे लोगों फड़िया जाता होए, मुकदमेबाजी होए, उन्होंने कोर्ट कचहरी के चक्कर च पाया जाता होए, उन्होंने कोड़े वजदे होण, उन्होंने सजाए मौत दिती, ए यही अंग्रेज वास्ते बड़ी मतलब उन्हों अमेज कर देने वाली चीज़ सी, आखी वापर रहा सारा कुछ। एक गुरु साहब की असल सिक्ख्या का रूप सीगा। खैर जिहड़ी बेनती कर रहा सी उत्ते वापस आवां, गुरु हर राय साहब का दौर निकलिया उस रूप दे 1644 तो लैके अराउंड 1661 तक, 1661 दे विच 31 वरे दी अरबला दे अंदर गुरु हर राय साहब ज्योति जोतम आ गए। उस वक्त गद्दी दिती गई गुरु हर राय साहब दे छोटे फरजिंद बाबा राम राय, उन्हां दा जिहड़ा सोच दा लहजा सीगा उह थोड़ा डिफरेंट सीगा, उन्हां नूं क्योंकि औरंगजेब कोल भी भेजिया ते उह सारे दे नाल उह सिक्खी दे उस असूलां तों थोड़े थिड़क गए, नीवे रह गए महाराज ने कहना। बाकी भी मैं बेनती करा वड्डे लैवल ते भारतीय निजामत विच राजसी सिस्टम विच भी तब्दीली आ रही है। बाबर तो बाद उहदा पुत हमायूं आया, थोड़ा समा रहा, उस तो बाद उहनूं जलाए वतन होना पिया, शेरशाह सूरी आ गया, यह पठान उस तो बाद 4 साल रह के फौत हो गया, फिर दोबारा हमायूं की वापसी आई, हमायूं थोड़ा समा रहा, अकबर दा आ गया। अकबर की क्योंकि सारी जिहड़ी ग्रूमिंग सीगी उही भारतीय खिते च होई, तो कुछ सूफिया के इनफ्लूएंस होई खास करके रहीम दे, तो वह सारे दे नाल इहदे च एक सुलह कुल बिरती सीगी। वक्त पा के इहदे अंदर एक इहो जिहा अहसास आया कि मैं इत्थे इस्लाम का वह रूप जिहड़ा रोक देवां जिहड़ा रूप मानवता के खिलाफ आ, इन्हें दीने अलाहिक धर्म चलाया जो मुला मुलाने ने बहुता चलन ना दिता, तो कुछ ये भी सीगा कि क्योंकि धर्म की आभा जिहड़ी हुंदी है ये बड़ी कुदरत स्थापित कर दी ना कि बंदे दे अपनी जहनी चलाकी विचों आउंदी है। खैर इहदे दौर दे विच ही जिहड़ा फैनेटिकिज़म सीगा वो अपने तौर पर अंडर द कारपेट पनपन लग गया, तो अंडर द कारपेट पनपदा होया जिहनूं अजकल लोकी अलकायदा कह देंदे ने, तालिबानी सोच कह देंदे, सारी ये सारा नक्शबंदी एक खास संप्रदाय जिहड़ी तलवार के जोर से अपना स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम फैलाना चाहती, जहाद करना चाहती, ये नाल नाल चल रहा सीगा। सो इहदा कुछ इनफ्लूएंस जहांगीर ते आया, गुरु अर्जन साहब नूं जामे शहादत तक लैके गया, मुड़ के बाद दे विच इहदी जिहड़ियां टाइज वो ब्रिटिश नाल हो गईयां, ब्रिटिश दे कोल क्योंकि उहनां दिनां च डॉक्टरी सिस्टम वगैरह सीगा, ते इह शराब पी पी के बहुत ज़्यादा ये जिहड़ा बीमार हो गया सीगा, ते इहदे हथ पैर ही कंबल लग गए सीगे। ब्रिटिश ने कुछ ट्रीटमेंट दवाया, कुछ इहनूं तोहफे वगैरह दिते, सांझ इहो जी बन गई कि थोड़ा मैडिकली थोड़ा फिट हो गया। जदों फिट हो गया तो यदा इनू अकल आई भी ओ मैं ही कर रहा है, फिर तो कुछ एडवाइजर बदले सारा कुछ, उस रूप साई मियाँ मीर का वड्डा प्रभाव पिया, यदि नूर जहान दे नाल शादी हुई उहदा ओ क्योंकि साई मियाँ मीर की बड़ी वड्डी शागिरद सी, साई मियाँ मीर गुरु अर्जन साहब तो
उन्होंने शागिरदगी सेगा, हालात बदले, गुरु हरगोबिंद साहब वापस जोड़ा है ग्वालियर के किले तो आए, सब वो सारा असं प्रसंग पढ़ते हैं। खैर जहांगीर जोड़ा इस रूप में चलिया, 1628 जहांगीर की मौत हो गई, 1628 शाहजहां गद्दी ते आसीन होया। शाहजहां का दौर भी कुछ इन्ना मतलब माड़ा नहीं सीगा, पर हाँ फैनैटिक जी सोच लगातार वध रही सी। खैर शाहजहां के दौर के ही जदों नक्शबंदियों का बाला जोर पिया तो शाहजहां ज्यौंदे नूं कैद करवा के औरंगजेब तो वो तीन भरा कतल करवाए, दारा शिको तो दूजे भरा वो कतल करवा के होर अनेक सुला कुल अमीर शमीर औरंगजेब गद्दी ते बैठा 1658 दे विच, 1658 दे अंदर। ये गुरु हर राय साहब का दौर है। तो गुरु हर राय साहब ने देखा भी यथा राजा तथा प्रजा, राजा इस किस्म के नाल अपने बाप नूं ज्यौंदे नूं गद्दी जिहड़ा हैगा कैदखाने च पा के भरावां नूं कतल करके गद्दी ते बैठ रहा है, लोगों तो असीं की तवक्को करदे आ। इस रूप में महाराज गुरु हर राय साहब ने कहा औरंगे को दर्शन आए, असीं इहदा पोलिटिकल बाइकाट करते हैं। तो जदों गुरु हर राय साहब यह बात कहिंदे ने, इस बात का खास करके नॉर्दर्न ते सारे इंडिया के इस खिते च बड़ा वड्डा प्रभाव पैंदा, क्योंकि नानक प्रस्तरां की गिणती बड़ी वड्डी है, वड्डे वड्डे अमीर शमीर ईवन जिहड़ा दारा सीगा ते सुजा भी ईवन ये गुरु साहब नाल बड़ा प्यार पाउण वाले वो सीगे, रखण वाले सीगे। बीमार होया गुरु महाराज दे जिहड़ा दवाखाने ते करी दवाई गई, ये सारा रूप च बात रही। भाई नंद लाल जी जो कि बाद विच औरंगजेब दे ही शहजादे दे मीर मुंशी रहे, वह गुरु साहब के बड़े प्यारे सिख सीगे, बड़े वड्डे स्कॉलर लोग इतने पाउंदे गुरु साहब के कोल। सो गुरु साहब का प्रभाव बड़ा सीगा, जो पता लगा औरंगे को दर्शन ना है, पोलिटिकल बायकाट किया गुरु साहब ने, इस चीज़ तो औरंगजेब बड़ा तंग होया। फिर उन्हें बकायदा तौर पर सम्मन भेजे, मैनू इहदा जवाब दिओ, जवाब तलबी हुई, इसे करके बाबा राम राय जी ने भेजे। खैर सारे दौर के हाल हालात बदलते लगे गए, लगातार आम रियाया आम लोगों का गैर मुसलमानों का कोई जिउणा जिहड़ा हैगा उत्थे कोई चंगेरा ना रहा, तो गल्ला उन्हां दा ही नहीं, ईवन मुसलमान भी जे आप सरमद नूं पढ़ते हाँ तो सरमद जिहड़ा आ उह ते विचारा मोमन फकीर सीगा, उहनूं किवें कतल करवाया औरंगजेब ने, होर बहुत सारे इहोजिहे जिहड़े सूफी सुला कुल लोग सीगे उहनां नूं कतल करवाया। सो ऐसे हालात लगातार बदलते जा रहे सीगे। सो उसे दौर दे विच 1661 दे विच गुरु हरकिशन साहब गद्दी ते बैठते, तो गुरु हरकिशन साहब अराउंड 1661 तो 1664 तक 3 सालां दे करीब कुछ थोड़ा वध समा गुरु नानक दे 8वें रूप दे विच अष्टम बलबीरा दे रूप विच सेवा याफ्ता हुंदे, उत्थे सेवा करदे मानवता दे उस रूप विच वड्डी ड्यूटी दे अंदर। फिर 1664 दे विच दिल्ली विखे सारे जाणदे आ कि गुरु हरकिशन साहब ज्योति जोत समा जांदे ने। उस वक्त पुछया जांदा है भी अगला पेशवा अगला आगू कौन होएगा, तो कहिंदे ने बाबा बकाले। तवारीख में असं देखते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज गुरु लाथो का संकल्प सारा जिहड़ा हैगा मक्खण शाह लुवाणे का रोल ते गुरु साहब गद्दी आसीन होंदे। इस सारे दौर दे विच एक कपल माता गुजरी जी ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ये अपना ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, पर अजे ये एज ए कपल अपना उस रूप जीवन है, इन्हां दे कोल कोई बच्चे की आमद नहीं गई, तो ना कोई इस किस्म के नाल इन्हां नूं कोई इतराज़ गिला कोई ते इतिहास जीरो कितें मिलदा नहीं गा सानूं। फिर गुरु तेग बहादुर साहब गद्दी आसीन होंदे अपनी वड्डे लैवल ते प्रचार प्रसार का कार जो सब उस सारा चलाउंदे, एक करदिया होया महाराज जिहड़ा जौनपुर अवध दा इलाका सीगा इस इलाके च प्रचार कर रहे सीगे, ते इत्थे भी जाण दा गुरु साहब दे कुछ मुख कारण सानूं समझ आउंदे ने, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब नूं जदों तमतान साहब सीगे ते रोहेले ने आके अरैसट कर लिया, राजा जय सिंह सवाई ये वड्डे अहुदे ते सी औरंगजेब दे नाल, ते इहदा मुंडा सीगा राम सिंह, जदों नूं पता लगा कि इस तरीके नाल अरैसट किया गया तो वह राइट वे उन्हें विच पै के, क्योंकि वड्डा राजा भी सीगा अहुदेदार भी सीगा, इसने रोहेले नूं कहा कि गुरु साहब नूं किसी कैदखाने च नहीं पाउणा, हाँ तू शाही बंदी दे तौर उत्ते रख लै, बाकी जिहड़ी बात है मैं तेरे नाल करदा। इहने विच पै के गुरु साहब नूं रिलीज़ करवाता कि ना बिल्कुल नहीं, इस चीज़ हुई। हालांकि औरंगजेब ने इहदा इतराज़ किया भी ऐसा क्यों, तो राम सिंह ने जो बात कही उन्होंने प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते कि राम सिंह ने कहा औरंगजेब नूं कि वह कोई राजसी लोग नहीं है, वो धार्मिक पेशवा ने, वो किसी की कांड नहीं मनते, उन्होंने संदेश तू सुनेगा कि ना किसी को डरना है, तो ना किसी तो डरना है ना किसी को डरावना। इस समय के फिर एक शाही मेहमान के तौर पर एक तरह के नाल कह लो
कि गुरु साहब नूं दिल्ली ले जाया गया गुरु तेग बहादुर साहब नूं। उस वक्त औरंगजेब नाल लंबी चौड़ी बात हुई। ये पहली अरैसटिंग है। सैकेंड अरैसटिंग गुरु साहब की आगरे की हैगी। फिर थर्ड अरैसटिंग जी उस तो बाद शहादत का जिहड़ा है रूप असीं देखते हैं। खैर उस समय दे विच जिहड़ा शिवाजी मरहट्टा सीगा राम सिंह की कैद सी ते इह भज गया। वह जदों भज गया तो हुण राम सिंह नूं पनिशमेंट देनी सी। औरंगजेब ने पनिशमेंट की कीती जाए, इहने सोचा भी डायरैक्टली इहनूं कतल करन की बजाय मैं एक कम करदा इहनूं एक आसाम की मुहिम ते भेज दिंदा। जिहड़ा आसाम का सारा ट्राइब एरिया सीगा, इत्थों दे लोग बड़े लड़ाके उस रूप में मने जाते सीगे। सिक्किम आसाम ये सारा जिहड़ा क्योंकि पहाड़ी एरिया से उपर इन्हां दी गुरीला वार च बड़े माहर सीगे, क्योंकि सर्वाइवल ही इन्हां दा ये सीगा। राम सिंह इस मुहिम से भेजता। गुरु तेग बहादुर साहब नूं पता लगा एक इस इलाके दे विच दक्षण वल बड़ा औरंगजेब का जुल्म हो रहा है। गुरु साहब वो सारे तो भी लोगों जिहड़ा तगड़िया करना चाहते थे, इस करके फिर महाराज इस इलाके दे विच प्रचार दौरे पर निकल आए। इस समय के दौरान ही प्रचार करद्या होया जो महाराज अयोध्या गया बनारस ये सारे इलाके इतने तो यह नहीं कि पहली बारी गए, इतने लंबा समा प्रचार केंद्र रहे। गुरुद्वारा साहब बने ने बहुत सारे, तुसी जाके देखोगे। भाई गुरदास जी लंबा समा इतने इस इलाके प्रचार करते, जो कवित रचना आ करीब 600 तो वध रचना भाई गुरदास जी ने इत रची है। बाबा बिधी चंद जी इत जो है उन्हों का आखिरी समा इतने निकलता तो अकाल चलाना करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। होर बहुत सारे सिख अल्टीमेटली होया कि जो सानू सर्वाइवल के दौर चो लंघना पिया ना, जो सिख जिहड़े सीगे वो उन्हां नूं मुल पा दिता गया तो उन्होंने या पहाड़ां दीआं चोटियां दे उत्ते ते या फिर रेगिस्तान बाबा बुढ़ा जोड़ो उस इलाके जाके खालसे नूं रहना पिया। कोई 60-70 साल का समा ही ऐसा निकलिया। उस सारे दे विच जिहड़े साडे इंस्टीट्यूशन सीगे ऑलमोस्ट सारिआं दे नाल इक तरह दा साडा कनैक्शन ही टुट गया। उस तो बाद ईवन जदों आपां भाई कान सिंह नाभा जी नूं पढ़दे हाँ उस समय में जाके सानू पता लगता है कि कदों जिहड़ा अफगानिस्तान तुखारा बुखारा इस इलाके दे सिखां तक दोबारा गुरु पीरियड तो बाद दोबारा रिसाई शुरू होंदी है, दोबारा आपस में कनैक्ट करते हैं सिख एक दूसरे दे नाल सरूप दे विच। खैर जिहड़ी बेनती करन लगा सी इसे समय के दौरान अराउंड 27 साल का एज ए कपल लाइफ जीण तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी के ग्रह विखे माता गुजरी जी दे गर्भ तो नवजीवन की आमद के असरार बनते हैं। जो पता लगता उदो महाराज जौनपुर के इलाके इतों करद्या जो पटने शहर पहुँचे ने तो चमासे की रुत शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट जड़ाया बरसाती रुत जी उदी आमद हो गई है। हालांकि अजे बड़ी अर्ली प्रैगनेंसी है माता जी की, पर पता लगा कि इस रूप के महाराज ने कहा कि हुण असीं अगां प्रचार वास्ते जावांगे जरूर, पर तुहाडा टिकाणा इत्थे करावांगे। खुली हवेली देख के माता गुजरी जी ने फिर उत्थे ठहरा दिता गया। उत्थे महाराज के परिवार के पूरी सेवा दे विच मामा कृपाल दास जी आप रहे। उत्थे माता गुजरी जी के कोल होर सिखां दी ड्यूटी लाई गई। समा अपनी जाचे चलता लगा गया। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ऑल द वे आसाम चले गए। आसाम तो टाका वाली साइड से आसाम विच भी सानू जदों सारे जदों हिस्टोरिकल सोर्सिस चैक करते हैं तो महाराज ने राम सिंह तो उस वक्त दे जिहड़ा असमिया ट्राइब सीगा उहदे विच जाके ट्रीटी करवाई। दोनों रूपों के उस जंग नूं रोकिया जिहड़ी इन्नी वड्डी कतलोगारत होनी सी। हो सकता राम सिंह जिहड़ों जदों लिखते ना कविराज कवि संतोख सिंह दी पिछाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होती कुचीलता किताबन कुरान की, ये एवें नहीं लिखते। क्योंकि जे गुरु साहब अपना रोल ना प्ले करते तो इस खिते की ना सभ्यता बचनी सी ना बोली बच कुछ भी नहीं सी बचना। अफगानिस्तान अजे तक तुसी देखो कि उत्थे बामियान दे विच पूरे दे पूरे पहाड़ जिहड़े ने वह बोधियां दे मंदिर ते बुत बने हुए सी। अजे रीसेंटली 20 साल पहला तालिबान दे लास्ट टाइम जदों आया हुण तो पहला इस तो पिछली वारी बकायदा तौर पर तोपां दे बरूद नाल उड़ाए ने सारे सारे पहाड़ उन्हें जिहड़े दसदे सीगे इत्थे बोधी सभ्यता रही है इन्ना समा। इस तो होर पिछे चले जाओ तुसीं जिहड़ा कुरदिश कल्चर है पूरे का पूरा कुरदिश उस सारे का सारा एलीमीनेट कर दिता गया। जिहड़ा जिन्हों कदी उन्होंने अपने स्कॉलर लिखते हैं भी वो दीने हयाती का बेबाक बेड़ा ना जेहू में अटका ना सेहू में ठहरा किए पार थे जिसने सातो समुंदर। वो दीने हयाती वो अपने इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट नूं कहिंदे ने जिन्हों कहिंदे भी वो जिहड़ा उस रूप में चल रहा सीगा उन्हूं कोई रोक नहीं पा सकी। जिथे रोक पई आके उत्थे जाके उन्हां दा अपना फकीर बुल्ले शाह जदों पढ़दे हो तो उन्हूं कहिंदा अब की कहूं ना जब की बात करूं मैं तब की अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी।
ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ 10 ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੋ ਸੁਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ 22 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 1666। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਜਿੰਦ ਆਇਆ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਕਪਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਵੋ ਤਾਰੀਫ ਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਵਸਫ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕੁਲ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਿਲ ਕੋ ਮਜਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨ ਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਢਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਤ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਫਿਰ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਗਨੀ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬੋਂ ਮੇਂ ਦਲੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅੰਗਦ ਹੈ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਲੇਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਸਭੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੂਏ ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਬਰਾਬਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ 10 ਗੁਰੂਓਂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਟੱਚਅਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ